बहराइच जिले के अटोडर गांव के मलहे सहित 60 लोगों को पिछले एक साल से मनरेगा में काम न मिलने के कारण बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मैं घनश्याम और ये है मेरा समुदाय। आपके पास खेत है? हाँ, खेती है, घाघरा में कट गई है। परिवार में कितने लोग हैं? परिवार में 10 लोग। मनरेगा में काम नहीं मिल रहा है? मनरेगा में काम नहीं मिला है कभी। तो खर्चा आपका कैसे चलता है? बाल बनाने का काम करते हैं, उसी से गाड़ी चलती है। मनरेगा में काम नहीं मिलता है तो क्या क्या परेशानियां हो रही? खाने के लिए दिक्कत है, कपड़े नहीं है, मजदूरी कहीं नहीं लगती है, बच्चे के पढ़ाई लिखाई के लिए दाम नहीं है, सारी समस्याएं हैं। तो मनरेगा में काम मिलने के लिए कोई प्रयास किया आप लोगों ने? कोई प्रयास नहीं, प्रधान जी से कहा था, वो इधर से उधर उधर से उधर। खेत है आपके पास? खेत रहा है, सब घाघरा में कट गया। मनरेगा में काम मिलता है? नहीं मिलता है। तो परिवार कैसे चलता? कोनो बेर कर्ज पानी का आ जाता है। तो मनरेगा में काम नहीं मिलता है तो इससे क्या क्या परेशानियां हैं? अरे खाने के लिए नहीं कोई व्यवस्था है, ना कपड़े के, ना ओढ़ने के, ना बिछौना, ना मकान बनाने के लिए कोई व्यवस्था है। तो इसके लिए कोई प्रयास आप लोगों ने किया? कहाँ, प्रधान जी से कहा जाता है, वो भी इधर उधर बता करके चले जाते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा मनरेगा चले, हम काम लगाएं और अपने परिवार को व्यवस्था करें। मैं चाहता हूं कि इन सभी लोगों को मनरेगा में काम मिले ताकि इनकी परेशानियां दूर हो सके। वीडियो देखने वाले सभी दर्शकों से हमारा अनुरोध है कि आप लोग ब्लॉक पखरपुर के वीडियो के मोबाइल नंबर 9454648813 पर कॉल करके दबाव बनाएं ताकि इनकी समस्याएं दूर हो सकें। मैं घनश्याम, जिला बहराइच, उत्तर प्रदेश, इंडिया, अनहर्ड के लिए।